दोस्तों, ये मूवी एक मर्डर मिस्ट्री है जिसे दुनिया का सबसे फेमस डिटेक्टिव अपनी सूझबूझ से सुलझाता है। एक बिलीनियर अपने दोस्तों को अपनी ही मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए अपने पर्सनल आइलैंड पर बुलाता है, लेकिन वहाँ तो मामला कुछ और ही था। जानने के लिए एंड तक बने रहे। मूवी की शुरुआत में एक लेडी के घर एक पार्सल आता है। उस लेडी का नाम क्लेयर है और पेशे से ये एक गवर्नर है। ये बॉक्स उसके फ्रेंड माइल्स ने भेजा है। उसके बाद हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं, उसका नाम लाइनल है। बिल्कुल वैसा ही एक पार्सल इसके पास भी आता है। तीसरा पार्सल मिलता है बर्डी नाम की एक महिला को। उस पार्सल के अंदर एक बॉक्स था जो किसी को खोलना नहीं आता था। फिर वे तीनों एक दूसरे को कॉल करके पूछते हैं कि इसको खोलते कैसे हैं। अगले सीन में हम ड्यूक को देखते हैं जो कि एक यूट्यूबर है। ये अपने यूट्यूब चैनल और अपनी गन से बहुत प्यार करता है। वो हर जगह अपनी गन अपने साथ रखता है। फिर उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। ड्यूक भी बर्डी को फोन करता है और पूछता है कि इसको खोलना कैसे है। साइंटिस्ट पता लगा लेता है कि हमें स्टीरियोग्राम का प्रयोग करना होगा, यानी कि आंखें थोड़ी भेंगी करके इसके ऊपर का चित्र देखना होगा। फिर साइंटिस्ट उस बॉक्स को खोल लेता है और बाकियों को भी बता देता है। उसके अंदर कुछ पजल गेम्स थी जिन्हें सॉल्व करके ही नेक्स्ट स्टेप का पता चल सकता था। हर एक पजल सॉल्व करने के बाद कोई दूसरा पजल सामने आ जाता था। एक के बाद एक कई पजल सॉल्व करने के बाद फाइनली ये बॉक्स पूरी तरह से खुल जाता है और उसके अंदर से एक इनविटेशन कार्ड निकलता है। उस कार्ड पर लिखा था, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम सब मेरे प्राइवेट आइलैंड पर आओ। हम यहाँ पर खूब मस्ती और पार्टी करेंगे और यहाँ तुम सब एक पहेली सुलझाने वाले हो, वो भी मेरे कत्ल की। ऐसा ही एक मिस्ट्री बॉक्स एंडी नाम की लेडी को भी मिलता है। पहले वो माइल्स की पार्टनर हुआ करती थी, लेकिन माइल्स ने इससे धोखा करके सब कुछ अकेले ही हथिया लिया। एंडी को पता नहीं था ये बॉक्स कैसे खुलेगा, इसलिए वो एक हथौड़ा लेती है और उस बॉक्स को चकनाचूर कर देती है। फिर उसके अंदर से उसे भी एक इनविटेशन कार्ड मिलता है। वो अपने पार्टनर के पास जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ये एक जिंदा दिल और किसी से ना डरने वाली लेडी थी, इसलिए वो इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम बेनवा नाम के एक वर्ल्ड फेमस डिटेक्टिव को देखते हैं जो इंतजार कर रहा था एक बहुत तगड़े केस का। तभी उसका कुक उसे बाहर से आवाज देता है और बताता है कि तुमसे कोई मिलने आया है, उसके हाथ में एक बॉक्स है। फिर ये सब बुलाई हुई जगह पर पहुंचते हैं। ये कोविड के बाद का समय था, इसलिए इन सब ने मास्क पहना हुआ था। एक एक करके सब लोग वहाँ पर आने लगते हैं। बर्डी अपनी असिस्टेंट पैक को भी साथ लेकर आती है। ये सब पहले भी आइलैंड पर जा चुके थे, लेकिन बेनवा इन सब में नया था और वो माइल्स का दोस्त भी नहीं था। फेमस डिटेक्टिव होने के कारण सब लोग उसे जानते थे। तभी वहाँ पर अपनी ब्यूटीफुल वाइफ विस्की के साथ ड्यूक आता है। फिर ड्यूक पूछता है कि ये नया बंदा कौन है। बेनवा कहता है, मुझे माइल्स ने बुलाया है कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए। फिर एक मर्सिडीज कार में एक बंदा बाहर निकलता है और ग्रीस में आने के लिए सबका स्वागत करता है। वो सभी को आयरन पर ले जाने वाले कैप्टन से मिलवाता है। फिर वो सभी को मास्क उतारने के लिए कहता है और सभी को वैक्सीन देता है। अब से किसी को भी मास्क पहनने की जरूरत नहीं थी। ड्यूक पूछता है, इसमें पाइनएप्पल तो नहीं है ना, क्योंकि वो मेरे लिए जानलेवा है। तभी सबसे बाद में एंडी आती है और कोई भी उसके आने से खुश नहीं था और ना ही किसी को उम्मीद थी कि वो आएगी। वो उन सबसे अलग ही थी क्योंकि इन सभी दोस्तों ने माइल्स का साथ दिया था और एंडी को धोखा दिया था। फिर वे सब विध्वंसक उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वे सब अपने लिए विध्वंसक शब्द यूज करते थे। माइल्स सबका स्वागत करता है। सब लोग एक एक करके उससे गले मिलते हैं। बेनवा माइल्स को यहाँ बुलाने के लिए थैंक्स कहता है। तभी माइल्स एंडी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ पर आएगी। फिर माइल्स अपने सभी दोस्तों को कहता है, हमारा ये वीकेंड यहाँ पर बहुत अच्छा बीतेगा, सब लोग अपनी दिन भर की घुटन से रिलैक्स हो जाओ। फिर बेनवा एंडी से इंट्रोडक्शन करता है। फिर माइल्स सबको अपना ग्लास ऑनियन दिखाता है और कहता है कि यही पास्ट था, यही प्रेजेंट है और यही फ्यूचर भी होगा। फिर माइल्स कहता है कि अभी तुम सब अपने अपने रूम में जाओ, तुम्हारे हाथ पर बंधा हुआ बैंड तुम्हें तुम्हारे रूम तक ले जाएगा। फिर माइल्स बेनवा को कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माइल्स बेनवा को ग्लास ओनियन में ले जाता है। वहाँ की हर चीज लाजवाब थी और बेनवा को बहुत पसंद आती है। माइल्स पूछता है कि मिस्टर बेनवा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मैंने तो आपको इन्वाइट नहीं किया। बेनवा कहता है, आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे पास मिस्ट्री बॉक्स आया था, जब मैंने उसे सॉल्व किया तो उसके अंदर से मुझे एक इनविटेशन कार्ड मिला। फिर बेनवा उसे अपना कार्ड दिखाता है। माइल्स कहता है, सर ये मैंने नहीं भेजा, मैंने सिर्फ 5 ही बॉक्स बनवाए थे अपने 5 दोस्तों के लिए। ओह, अब समझा, इस बॉक्स को किसी ने रीसेट किया होगा और आपके साथ मजाक किया होगा। ये सोचकर कि माइल्स ने एक मर्डर मिस्ट्री का प्लान किया है, तो डिटेक्टिव को भी बुला लेते हैं। फिर बेनवा कहता है, मुझे तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैं बिना बुलाए यहाँ पर आ गया। लेकिन माइल्स कहता है, आपके आने से मुझे खुशी हुई और अब आप भी हमारा हिस्सा हैं, तो यहाँ पर एंजॉय करो। और हाँ, अगर आप मर्डर मिस्ट्री सुलझा लेते हैं तो सुलझा लेना, इसमें मेरा काफी दिमाग लगा है।
अब सोचने वाली बात ये थी कि बेनवा को यहाँ पर बुलाया किसने था और क्यों। फिर वे सब एक पुल पर इकट्ठा हो जाते हैं। बेनवा ड्रिंकिंग कार की बहुत तारीफ करता है। फिर ड्यूक कहता है, तुमने तो मुझे उस दिन ऐसी ही कार से उड़ा ही दिया था, मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच गया। लेकिन माइल्स उस बात को चेंज कर देता है। उस समय भी ड्यूक के पास एक गन थी। पूछने पर वो बताता है कि पता नहीं इसकी कब जरूरत पड़ जाए। बर्डी पैक को बताती है कि एक समय ऐसा था माइल्स की मुझसे बात करने तक की औकात नहीं थी, और आज देख लो ये कहां पहुंच गया। फिर बेनवा आता है और पूछता है ये क्या है। माइल्स कहता है, मैं फोन यूज नहीं करता, मैं बस फैक्स मशीन यूज करता हूँ। फिर माइल्स सबके बारे में बताता है और सबकी खूब तारीफ करता है और कहता है कि मेरे दोस्तों ने हर समय मेरा साथ दिया। लेकिन तभी वहां पर एंडी आ जाती है और ताली बजाने लगती है। फिर वो कहती है, ध्यान से देखो इन सबको, इन सबकी डोर माइल्स के हाथ में है। ये सब माइल्स के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली है। ड्यूक तो बच्चों को नशा बेचने के चक्कर में अंदर चला गया था, माइल्स ने ही पैसे देकर इसकी जान बचाई, और क्लेयर के भाषण में जो भीड़ होती है वो माइल्स के ही पैसों से खरीदी होती है। ये सब माइल्स के तलवे चाटते हैं, और इसी की बातों में आकर इन सब ने मुझे धोखा दिया है, मेरे विश्वास का मुझे ये इनाम मिला है। फिर माइल्स कहता है, मस्त भाषण था, हम सब 8 बजे डिनर पर मिलते हैं। ये कहकर वो चला जाता है। क्लेयर और लाइनल ऑब्जर्व करते हैं कि एंडी नशे में थी। फिर पैग माइल्स के पास जाती है और कहती है कि आप जो कुछ भी बर्डी से बांग्लादेश के खिलाफ बुलवाना चाहते हैं, प्लीज वो मत बुलवाइए, इससे उसका करियर खत्म हो जाएगा। माइल्स कहता है, नहीं बोलेगी तो भी खत्म हो जाएगा। ये बात बेनवा छुपकर सुन रहा था। फिर आइलैंड घूमते समय बेनवा सिगार पीने लगता है, लेकिन तभी एक अलार्म बजता है और ये आवाज आती है कि सिगरेट पीना मना है। बेनवा वहां से खिसक लेता है। फिर जॉगिंग करते समय ड्यूक अपनी वाइफ विस्की को माइल्स के साथ रंगरलियां मनाते हुए देख लेता है, और ये भी बेनवा देख लेता है। फिर रात को सब लोग डिनर के लिए इकट्ठा होते हैं। जिस जगह पे वे इकट्ठा हुए थे वहाँ एक से एक आलीशान और बेहद कीमती शोपीस और पेंटिंग पड़ी थी। माइल ने सबकी मनपसंद डिशेस बनवा रखी थी और सबके ग्लास पर पीने वाले का नाम भी लिखा हुआ था। क्लेयर पूछती है कि माइल्स, यहाँ पर मोनालिसा की तस्वीर क्या कर रही है। बेनवा कहता है, ये तो देश की संपत्ति है, यहाँ कैसे हो सकती है। माइल्स कहता है, फ्रांस को पैसे की जरूरत थी और मैंने उसे शॉर्ट टर्म लोन दे दिया, वो भी इस मोनालिसा पेंटिंग के बदले में। माइल्स कहता है कि ये बहुत ही कमाल की पेंटिंग है, इसको जितनी बार भी देखोगे तुम्हें हर बार इसका इंप्रेशन अलग ही लगेगा। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे लोग मुझे मोनालिसा की तरह याद रखें। एक हफ्ते बाद पूरी दुनिया से लीडर्स यहाँ पर प्रेस के लिए आएंगे और तब मैं उन्हें भविष्य से मिलवाऊंगा। ये नया हाइड्रोजन फ्यूल है, ये बहुत ही ताकतवर और बहुत ज्यादा देर तक टिकने वाला है। इस आइलैंड की सारी लाइट्स इसी पर चल रही है, और सबसे बड़ी बात, ये कोई कार्बन नहीं छोड़ता, इसको समुद्री पानी से बनाया जाता है। मेरा सपना है कि इस साल के एंड तक इसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दूंगा। लेकिन लाइनल कहता है, मैंने तुम्हें साफ साफ मना कर दिया था कि पहले इसे 2 साल तक टेस्ट किया जाएगा, इसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे, इससे किसी की जान भी जा सकती है। यहाँ मौजूद कोई भी खुश नहीं था। लेकिन तभी माइल्स उन सबको मर्डर का प्लान समझाता है। मेरे मर्डर के सुराग इसी आइलैंड पर छुपे हैं, जो भी ये बताएगा कि खूनी कौन है और उसका मकसद क्या था तो वो गेम जीत जाएगा। बेनवा कहता है, जीतने वाले को क्या मिलेगा, मेरा मतलब आईपैड जैसा कुछ। माइल्स कहता है, हाँ मैं दे दूंगा, मैं पूरा हफ्ता तुम लोगों के साथ रहूंगा, लेकिन रूल ये है कि मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगा, ये मिस्ट्री आपको अकेले ही सुलझानी होगी। तभी बेनवा कहता है, ये देखो, माइल्स बिल्कुल एक ऐसे स्टैचू के सामने बैठा है जिसके हाथ में एक क्रॉसबो है, जरूर इसका कोई रिमोट भी होगा, और यहाँ एक मैगजीन है जिसके ऊपर बर्डी की फोटो छपी है, और उसने अपने माथे पर एक रेन डायमंड पहना हुआ है, और यही रेन डायमंड माइल्स ने अपने गले में पहने हुए लॉकेट के अंदर रखा हुआ है। मिस्टर माइल्स, क्या आप इसे खोलने का कष्ट करेंगे। जब माइल्स उस लॉकेट को खोलता है तो उसके अंदर सच में रेड डायमंड था। बेनवा कहता है, मैंने इस केस को सॉल्व कर दिया है, आपका मर्डर ये डायमंड चुराने के लिए बर्डी ही करेगी, और बदकिस्मती से उस समय जब दुनिया का सबसे मशहूर डिटेक्टिव यहाँ पर मौजूद होगा। सारा केस सॉल्व होने के बाद एक नकली तीर माइल्स की छाती में लगता है, लेकिन अब क्या फायदा, बेनवा ने मरने से पहले ही केस को सॉल्व कर दिया था। फिर माइल्स बेनवा को ग्लास ओनियन में लेके जाता है और उसे आईपैड देके कहता है, ओ भाई, सारे प्लान की मेरा मतलब ऐसी तैसी कर दी, 1 साल से मैं इसका प्लान कर रहा था, मैंने दुनिया की सबसे महंगी राइटर से ये प्लान लिखवाया था। फिर बेनवा कहता है, मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारा मर्डर असली में होगा, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ रीजन है। क्लेयर का यूज करके तुम बांग्लादेश से सौदा करना चाहते हो, साइंटिस्ट की बिना मर्जी के तुम हाइड्रोजन फ्यूल को बेचना चाहते हो, बर्डी से तुम बांग्लादेश के खिलाफ बयान दिलवाना चाहते हो, और ड्यूक को भी पता है तुम उसकी वाइफ के साथ रंगरलियां मनाते हो, और अब बची एंडी, एंडी के साथ तुमने जो किया तो उसके पास भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है तुम्हें मारने का। लेकिन माइल्स कहता है, हम सब पुराने दोस्त हैं,
हैं और हमारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं है। फिर माइल्स बेनवा को एक मशहूर नैपकिन दिखाता है जिसके ऊपर उसने ये कंपनी बनाने का प्लान तैयार किया था। वो बताता है कि ग्लास ओनियन हमारे बार का नाम था, मैंने वहीं बैठकर इस बिजनेस आइडिया को लिखा था। एंडी को मेरा आइडिया बहुत पसंद आया था। उधर अंदर सब लोग एंडी से लड़ रहे होते हैं, इसलिए एंडी नाराज होकर वहां से चली जाती है। तभी वहां पर बेनवा और माइल्स आते हैं। माइल्स आकर मस्ती करने लगता है, लेकिन तभी ड्यूक के फोन में धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आने लगते हैं। फिर वो माइल्स को अपना फोन दिखाता है और उसे देखकर माइल्स के रंग उड़ जाते हैं। फिर ड्यूक माइल्स से कुछ सौदा करता है और माइल्स मान जाता है। फिर सभी लोग ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी ड्यूक का दम घुटने के कारण मौत हो जाती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। बेनवा कहता है कोई जाकर पुलिस को फोन करो और उन्हें अभी आने के लिए कहो। जब लायनल पुलिस से बात करके वापिस आता है तो बताता है कि समुद्र में लहरें ज्यादा होने के कारण पुलिस सुबह 6 बजे तक आएगी। तभी माइल्स का ध्यान उस ग्लास पर जाता है जो ड्यूक के हाथ से गिरा था। वो समझ जाता है कि उसकी ड्रिंक में जहर था जो कि गलती से ड्यूक उठाकर पी गया। ये बात जानकर माइल्स घबरा जाता है और बेनवा को कहता है कि मुझे इन सब लोगों से बचाओ, इनमें से कोई मुझे मारना चाहता है। फिर सब लोग ध्यान करते हैं कि यहाँ पर ड्यूक का ना तो फोन पड़ा था और ना ही उसकी गन पड़ी थी। माइल्स उस समय बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता था। लेकिन तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। लाइट का जाना उसी का प्लान था ताकि ये सब उसकी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर सके। तभी बेनवा अपनी टॉर्च जगाता है और माइल्स वहाँ से बाहर भाग जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कोई उसे गोली मार दे, और यही डर सबको लग रहा था। सब एक दूसरे से छुपते फिर रहे थे। तभी भागते हुए बेनवा को एंडी मिलती है। फिर बेनवा पूछता है क्या ड्यूक की गन तुम्हारे पास है। इतने में कोई एंडी को गोली मार देता है। सब लोग गोली की आवाज सुनकर वहां पर आ जाते हैं। बेनवा कहता है अब इस खेल को यही रोकना होगा। वो सबको अंदर ले जाता है। फिर लायनल कहता है क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं, ये क्या हो रहा है। बेनवा कहता है ये तो वही बता सकता है जिसने हेलन ब्रांड का खून किया है। अब सारे राज भर से पर्दा उठाया जाता है। दरअसल 2 दिन पहले बेनवा के घर वो बॉक्स लेकर हेलन आई थी जो कि एंडी की जुड़वा बहन थी। वो बताती है कि 2 दिन पहले मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। जब वो मरी तो वो कार में बैठी थी और कार का इंजन ऑन था, लेकिन मेरी बहन खुदकुशी नहीं कर सकती क्योंकि वहां पर कोई नोट भी नहीं था। फिर मैं कल उसके घर गई, तभी मुझे वहां पर एक बॉक्स मिला। फिर मैंने उसकी मेल चेक की, उसने एक मेल अपने सभी दोस्तों को भेजी थी जिसमें एक फोटो थी और लिखा हुआ था कि मुझे ये मिल गया है, जल्दी से अपनी गलती सुधार लो वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि किसी भी दोस्त का जवाब नहीं आया था। फिर मैंने उसका सारा घर चेक किया लेकिन मुझे वो लेटर कहीं नहीं मिला। बेनवा कहता है इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बहन की जगह उस आइलैंड पर जाऊं और उसके सभी दोस्तों में से उस कातिल को ढूंढूं। देखो मैं तुम्हें कातिल का पता लगाकर दे सकता हूं, लेकिन उनको सजा दिलवाना और पुलिस के साथ बयानबाजी करना ये तुम्हारा काम होगा, मेरा काम वहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर वो पूछता है तुम्हारी बहन की मौत की खबर किस किस को पता है। वो कहती है मैंने अभी तक इसको राज ही रखा है। फिर बेनवा कहता है इसे तुम 1 हफ्ते के लिए राज ही रहने दो और तुम्हें भी मेरे साथ एंडी बनकर उस आइलैंड पर जाना होगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा हो सकता है क्योंकि वो खूनी जिसने तुम्हारी बहन को मारा है वो समझ जाएगा और तुम्हें भी मारने की कोशिश करेगा। लेकिन हेलन हर तरह के खतरे का सामना करने के लिए तैयार थी। रात को वे फिर से मिलते हैं। हेलन अब एंडी बन गई थी। वो बताती है कि ये सब एंडी के दोस्त थे, उसी ने उन सबको माइल्स से मिलवाया था, लेकिन एक दिन इन सब ने पैसे के लालच में माइल्स का ही साथ दिया और एंडी को धोखा दे दिया। मेरी बहन ये सब बातें अपनी डायरी में लिखा करती थी। माइल्स हाइड्रोजन फ्यूल को दुनिया के सामने लाना चाहता था, लेकिन मेरी बहन को पता था इसमें बहुत खतरा है, इसलिए वो इसे रोक रही थी। फिर माइल्स ने वकीलों के साथ मिलकर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिससे मेरी बहन का उस कंपनी पर कोई हक नहीं रहा और इन सभी दोस्तों ने माइल्स का ही साथ दिया। उन सब ने कोर्ट में साबित कर दिया कि ये कंपनी बनाने का आइडिया माइल्स का था जो कि उसने ग्लास ओनियन बार में बैठकर एक नैपकिन के ऊपर लिखा था, जबकि ये आइडिया मेरी बहन का था। लेकिन मेरी बहन केस हार गई और घर पे गुस्से में आके तोड़फोड़ करने लगी। तोड़फोड़ के दौरान ही उसे वो नैपकिन मिल गया। फिर उसने सभी दोस्तों को वो मेल कर दी कि मेरे पास असली सबूत है, तुम लोग अपनी गलती सुधार लो वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। फिर वो समय आया जब हम सब आइलैंड पर पहुंच गए। हेलन ने इन सब के बीच में जासूसी करके ये पता लगाया कि कोई भी माइल्स से खुश नहीं था। वो सबको अपने फायदे के लिए मजबूर कर रहा था ताकि वे सब उसकी हेल्प करें। उन दोनों की बात से क्लियर हो गया था कि इन दोनों ने तो मर्डर नहीं किया, अब बचे थे बर्डी, ड्यूक और माइल्स। फिर हेलन को पता लगता है कि मेल मिलने के बाद ये सब एंडी से मिलने उसके घर गए थे,
लेकिन एंडी ने दरवाजा ही नहीं खोला। सबसे पहले वहां पर ड्यूक पहुंचा था। जब ड्यूक एंडी के घर जा रहा था तो उसने रास्ते में माइल्स को वापिस आते हुए देखा था। उसके साथ उसका एक्सीडेंट होते होते बचा, जो कि उसने स्विमिंग पूल के पास भी बताया था, और बाद में बर्डी भी उससे मिलने गई, लेकिन उसने भी यही कहा। फिर क्लेयर पूछती है कि एंडी, तुमने उस दिन दरवाजा क्यों नहीं खोला और हमारे फोन का जवाब भी नहीं दिया। एंडी बताती है कि मुझे सुनाई नहीं दिया। अभी तक उन सब की बातों से ये लग रहा था कि खूनी इनमें से कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पर फैक्स आता है। फिर चेक करने पर उनमें से एक फैक्स लाइनल का मिलता है, जिसने एंडी की मेल का प्रिंट माइल्स को भेजा था। तभी वहाँ पर ड्यूक आता है। वो विस्की को कहता है कि तुम मेरे लिए माइल्स के पास जाओ और किसी भी हद तक चली जाओ, हमें अल्फा न्यूज किसी भी हालत में चाहिए। अब ये भी क्लियर हो गया था कि उस दिन बेनवा और ड्यूक ने विस्की को माइल्स के साथ देखा था, वो सब ड्यूक का ही प्लान था। अब तक हेलन को सारा सीन पानी की तरह क्लियर हो गया था कि माइल्स को छोड़कर बाकी किसी ने भी एंडी का खून नहीं किया होगा। बेनवा कहता है खूनी वही है जिसके पास वो इनवेल्प है, तुम्हें सबके कमरे में जाकर वो इनवेल्प ढूंढना होगा। डिनर के समय तुम लड़कर वहाँ से चली जाना, वो सभी अपने रूम में नहीं होंगे, तुम आराम से उनके रूम चेक कर सकती हो। फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ, हेलन सबसे लड़कर वहाँ से चली गई। हेलन के पास समय कम था, इसलिए वो बारी बारी से सबका रूम चेक कर रही थी। तभी उसी समय ड्यूक को भी नोटिफिकेशन मिला जिसमें लिखा था एंडी फाउंड डेड इन हर अपार्टमेंट। उसने वो नोटिफिकेशन माइल्स को दिखाया और कहा कि मैं तुम्हारा भंडा फोड़ दूंगा, इसलिए तुम्हें मुझे अल्फा न्यूज में लेना होगा। तभी माइल्स ने ड्यूक का मर्डर कर दिया, और वो भी बड़ी चलाकी से। उसे पता था कि पाइनएप्पल से ड्यूक को एलर्जी है और वो उसके लिए घातक है, इसलिए माइल्स ने उसकी शराब में पाइनएप्पल जूस मिला दिया, जिसको पीते ही वो मर गया। उधर हेलन को अभी तक इनवेल्प नहीं मिला था और ऊपर से लाइट भी चली गई थी। तभी चलते चलते वो बेनवा से टकरा जाती है और कोई उसे गोली मार देता है, लेकिन वो गोली उसकी डायरी में लगी थी जिसके कारण वो मरी नहीं थी। फिर उसने मरने का नाटक किया और मैंने उसे कहा कि मैं सबको अंदर ले जाऊंगा और तुम ग्लास ओनियन के अंदर जाकर इनवेल्प को ढूंढोगी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। हेलन ग्लास ओनियन के अंदर जाती है और उसे वो इनवेल्प मिल जाता है। फिर वो इनवेल्प लेकर उन सबके बीच आ जाती है। सब लोग उसे देखकर काफी हैरान हो गए थे कि वो अब तक जिंदा कैसे है। अब डिटेक्टिव बेनवा सारा केस एकदम साफ साफ सबके सामने रख देता है कि माइल्स ही एंडी और ड्यूक का कातिल है। इसी ने हेलन को भी मारने की कोशिश की थी, वो भी एंडी की गन से। उस दिन आप सब लोगों से पहले माइल्स ही एंडी के घर गया था और उसी ने उसको मार दिया था, इसीलिए उसने किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला। और ये सारी बातें एंडी की बहन ने मुझे बताई, जिसका नाम हेलन है। फिर हेलन सबको एंडी का लिखा हुआ नैपकिन दिखाती है, जिसके ऊपर एंडी ने उस कंपनी को बनाने की प्लानिंग लिखी थी। इस नैपकिन के ऊपर ग्लास ओनियन बार की मोहर भी लगी थी और ये बार 9 साल पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन तभी माइल्स उसमें आग लगा देता है और कहता है कि तुम्हारे पास एक लौता सबूत था और वो भी अब जल चुका है। आप सब लोगों ने जो भी देखा इसे भूल जाइए और अब कोई इसका साथ नहीं देगा। सब लोग माइल्स की बात मान जाते हैं। वे सब हेलन का साथ तो देना चाहते थे, लेकिन उन सब की दुम माइल्स के पैर के नीचे थी, इसलिए किसी ने सच बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। फिर डिटेक्टिव बेनवा कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें कातिल का पता बता सकता हूँ, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तुम बस वही करो जो तुम्हारा दिल कहे। ये कहकर डिटेक्टिव वहाँ से चले जाते हैं। फिर हेलन एक एक करके वो सभी शोपीस तोड़ने लगती है और अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है। उसे देखकर सभी लोग अपने दिल की भड़ास निकालने लगते हैं। फिर वो वहाँ पर आग लगा देती है और वही हाइड्रोजन फ्यूल उस आग में डाल देती है जो जाते वक्त उसे डिटेक्टिव बेनवा ने दिया था। एनर्जी स्रोत के जलने से आग एकदम से भड़क जाती है और वहाँ मौजूद सभी कीमती चीजें जल जाती हैं, जिनमें से मोनालिसा की तस्वीर भी एक थी। और आयरन पर बने इस घर में आग लगने के कारण अब माइल्स कंगाल हो गया था। उस समय डिटेक्टिव बेनवा आयरन पर बैठकर अपनी सिगार का मजा ले रहा था और माइल्स अपनी लंका जलती हुई देख रहा था। फिर बाहर आकर वो सब पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये सब करके तुम्हें क्या मिला। हेलन कहती है, मैंने तुम्हारे फ्यूचर के फ्यूल में दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग को तुम्हारे घर के अंदर जला दिया बददिमाग। सब लोग उसकी बर्बादी पर खुश थे और अब वे लोग हेलन का साथ देने के लिए तैयार थे। तभी सुबह के 6 बज जाते हैं और दूर से पुलिस की बोट आती हुई दिखाई दे रही थी। इस तरह से डिटेक्टिव बेनवा ने मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया था। दोस्तों, ये एक बहुत ही दिमाग को घुमा देने वाली मूवी थी। मैं जानता हूँ सारी बातें शो करने के चक्कर में ये मूवी थोड़ी लंबी हो गई। अगर मैं इसे थोड़ी छोटी करता तो बहुत सी चीजें रह जाती या मुझे कुछ झूठ बोलकर आपको सुनाना पड़ता, जो मैं चाहता नहीं था। सो प्लीज, अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नए दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।